देश का मोदी सरकार अभी तक उनको ढूंढने में विफल रहा है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, आज तमाम लोग अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए यहां पे इंसाफ मांगने इतने दूर आए हैं। आज यही दिखाता है कि इंसाफ मांगने के लिए आपको दिल्ली का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, आपको संसद से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे सभा करके मोदी जी को बोलना पड़ता है कि हम लोगों पे लगातार हमले हो रहे हैं, हम लोगों के बच्चों को गायब कर दिया जा रहा है, हम लोगों के पतियों को मार दिया जा रहा है, इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों के ऊपर मॉबलिंचिंग चल रहा है, और ये मोदी सरकार उन मॉबलिंचर्स को जेल से निकाल के माला पहना के लड्डू खिला रहा है। दिल्ली पुलिस और सीबीआई जो पिछले 2 साल में उन्होंने कार्रवाई जो किया नजीब के मामले में, एक छोटा सा 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन नजीब गायब हुआ, पूरे 2-3 दिन भी पूरे नहीं हुए, उस एसएचओ ने बोला नजीब जामिया ऑटो में खुद चला गया। 6 महीने पूरे होने के बाद सीबीआई ने बोला वो फेक थ्योरी था। सीबीआई ने आज एक नया थ्योरी लेके आया, ये बोला कि नजीब को किसी ने नहीं मारा है। भाई जो लोग उस दिन मौजूद थे, जो नजीब को बचा रहे थे, वो क्या हवा को बचा रहे थे क्या? जो नजीब को उन मोहित के सामने और हमारे सामने मारपीट कर रहा था, जो वार्डेंस के सामने मारपीट कर रहा था, वार्डेंस को मारा था, जो सिक्योरिटी की पिटाई हुई सिक्योरिटी के सामने, जो वार्डेंस कमिटी ने बोला नजीब को हमारे सामने मारा है, और जो चीफ प्रॉक्टर जेएनयू का ये बोला कि हाँ उस एबीपी के स्टूडेंट ने नजीब को मारा है, और जिसके चलते हुए जेएनयू का वीसी ने उस रिपोर्ट को ओवरटर्न करते हुए उन एबीपी स्टूडेंट्स को बचाया है, उसके चलते हुए उस चीफ प्रॉक्टर ने अपना रिजिग्नेशन दिया। इतना उसमें हिम्मत था कि इंसाफ के लिए जब वो अपनी कार्रवाई को पूरा किया, जब उसको उसका रिपोर्ट को ओवरटर्न किया, वो इस्तीफा दिया है। मैं उस एसएचओ से पूछना चाहता हूं जो अम्मी को उस दिन मजबूर किया था कि आप ऐसे एफआईआर मत लिखिए कि आपका बेटा, आपको चाहिए तो एफआईआर इस तरीके से लिखिए, क्या वो इस्तीफा देगा आज? क्या वो पुलिस ऑफिसर जिसने बोला नजीब अपने आप जामिया गया है, और जिसके चलते हुए प्राइम 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वक्त बर्बाद हुआ, और उसको पहले दिन से हम लोग जानते हैं गलत है बोल के, उसके बावजूद हम सब लोगों का मेहनत और हम सब लोगों को उस झूठ में फंसा दिया, उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा? या उस टाइम्स ऑफ इंडिया का जर्नलिस्ट जो अपने न्यूज़पेपर में यह छाप दिया कि नजीब जाके आईएसआईएस ज्वाइन किया है, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि उस झूठ को फैलाने में शर्म नहीं आती उन लोगों को? बार बार दिल्ली पुलिस उसी दिन प्रेस रिलीज निकाल के बोला है ये झूठ है, उसके बावजूद क्या उसको सस्पेंड किया? उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने कोई केस दर्ज किया? नहीं किया होगा। अम्मी को दोबारा कोर्ट जाना पड़ा और डिफेमेशन केस डालना पड़ा, तब वो लोगों ने जज के सामने बोला सॉरी हमसे गलती हो गई, हम उस सारे आर्टिकल को हटा दे रहे हैं। क्या बार बार इसी तरीके से कोर्ट जाने पे ही हम लोग इंसाफ मिलेगा? और जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को क्रिमिनलाइज करने का कोशिश किया गया था, मुझे दुख होता है आज हमारे बीच में राधिका अम्मी भी मौजूद है। అమ్మా నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మీరు ఇంత దూరం వచ్చారు రోహిత్ కోసం, మీకు మేము మా స్టూడెంట్స్ తరఫున ఢిల్లీలో అప్పుడు కూడా మేము పోరాడాము, ఇప్పుడు కూడా పోరాడతాం, ఇప్పటికీ పోరాడుతూ ఉంటాము, అసలు ఎవరు మర్చిపోకపోయినా ఎవరు పోరాడినా పోరాడకపోయినా మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కోసం పోరాడతాం. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే రోహిత్ దళితుడు కాదు అని చెప్పి రోహిత్కి కావాల్సిన జస్టిస్ ఇవ్వట్లేదు ఈ ప్రభుత్వాన్ని 2019 లో చెప్తాము, ఎవరు నిజంగా అన్యాయం చేశారు అన్నది. మీ అమ్మీకు ఏ వాదా దేరాతా कितना भी झूठ ये सरकार फैला है, कितना भी एचसीयू में एवीपी कुछ चला के जीत जाए, 2019 में रोहित के इंसाफ के लिए हम लोग इनको हरा के दिखाएंगे, और नजीब के लिए और रोहित के लिए हर किसी के लिए इंसाफ लाएंगे। इनको मजाक लग रहा है इस देश का कानून व्यवस्था, इनको मजाक लग रहा है हमारा संविधान, यही इसी रोड पर संविधान को जलाया गया था। क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक? नहीं किया होगा। उमर भाई पे इसी कॉन्स्टिट्यूशन इसी एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे गोली चलाया गया था, उन लोगों ने वीडियो बनाया था, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था अभी तक? नहीं किया होगा। बट जो भीमा कोरेगांव के नाम पे जो दलित अपने अधिकार के लिए अपने इतिहास बोलना चाह रहे थे, उसके नाम पे 5 लोगों को रातों रात गिरफ्तार करके देशद्रोही बता दिया गया है। शर्म आना चाहिए उन लोगों को। जो भी स्टूडेंट जो भी नौजवान आज अपने रोजगार की मांग करता है,
उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उसको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। जो भी व्यक्ति जनता के लिए लड़ता है उसको जेल में डाल देते हैं। दरअसल ये सरकार लोकतंत्र को जेल जेल के अंदर बंद करना चाहता है। हम लोग यहाँ से बताना चाहते हैं, दरअसल अगर किसी को बंद करना पड़ेगा, उन लोगों को बंद करना पड़ेगा जिन्होंने रोहित का हत्या किया है, उन लोगों को बंद करना पड़ेगा जो नजीब को उस दिन गायब होने से पहले मारपीट किया है। और इनकी इतनी हिम्मत होती है जेएनयूएसयू चुनाव से पहले जो भी उसको मिलता बोलता है कि वही हाथ उनको करेंगे जो नजीब के साथ किया है। शर्म नहीं आती आपको? इसी बात की इनको हिम्मत है कि सीबीआई से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर कोर्ट से लेकर तमाम जगह पे ये लोग बच जाएंगे क्योंकि सरकार इनका है। हो सकता है कि आज आप बच गए हैं, हम भूले नहीं है, हम भूलेंगे नहीं। इस सड़क हो, कई सड़क हो, हर जगह पे हम लोग जाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो उखाड़ फेंक देंगे 2019 में। आपको मजाक लग रहा है और उस नाइंसाफी के खिलाफ लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट्स के तरफ से, नौजवानों के तरफ से, अम्मी के साथ और तमाम लोगों के साथ हर कदम पे हम लोग रहेंगे और इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और इसको सवाल बनाएंगे और पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जिन लोगों के ऊपर हमला होता है उन लोगों को और हरास किया जाता है, जो हमला करते हैं उनको माला पहना के लड्डू खिलाया जाता है। दोस्तों इसी बात को कहते हुए हम सब लोग एक बार बोलिए जस्टिस फॉर नाजी, जस्टिस।